नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों ये कानपुर में सेटअप लग रहा है, 17 हज़ार लीटर के टैंक हैं और यहाँ पे सारे स्लोप वगैरह बन गए थे, लेकिन जो है कि बारिश हो गई अचानक से और पूरा का पूरा पानी भर गया है। ये पानी निकाला जा रहा है ताकि पानी सूख जाए तो सुबह से काम हो सके। सारे के सारे स्लोप बन गए हैं और यहाँ पर ये आपको जो है कि जितनी ये वाइट वाली बिल्डिंग के पीछे जितनी ज़मीन दिख रही है, ये टोटल ज़मीन में यहाँ पे बायोफ्लॉक के टैंक लगने हैं, जो कि लगभग 125 टैंक का ये प्रोजेक्ट है। तो अभी जो है कि फ़िलहाल 6 टैंक सैंपल के लिए लग रहे हैं, क्योंकि 3 महीना आगे समय है, तो इसमें ये चेक करना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या रहता है इसका। और ये एक टैंक जो है कि लगभग तारपोलिन बेच गया है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। एक टैंक का तारपोलिन लग गया है, बाकी के अब तो कल ही लगेंगे, आज शाम हो रही है। तो बारिश हो गई थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को एक अपडेट जो है कि डाल दूं, क्योंकि आजकल वीडियो नहीं डाल रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो अभी 2 दिन में घर जाने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो है कि जल्दी आएगी। और बहुत लोगों का जो है कि रिक्वेस्ट था कि टैंक बनते हुए कंस्ट्रक्शन का वीडियो डालें, तो फिलहाल मेरे यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन अभी चल नहीं रहा है, अभी ठंडी में होगा, तो मैंने सोचा इसका वीडियो जो है कि आप लोगों को दिखा दें। ये देखिए, लगभग जो है कि ये 17,000 लीटर के टैंक है, तो इसमें स्लोप जो है कि लगभग 12 इंच का है, मतलब 1 फीट का, और इसमें लेबल पाइप वगैरह लगाए गए हैं ताकि बारिश में जो है पानी ओवरफ्लो ना हो टैंकों से। और ये 3 इंच का जो है कि इसमें आउटलेट बनाया गया है, पानी निकाल के फेंक रहे हैं। बाकी के लेबर जो है कि इधर खड़े हैं, वो हमारे ड्राइवर साहब है जो गाड़ी लेके आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटेक्टर सीट जो है, इसमें बड़ी हाई क्वालिटी की प्रोटेक्टर सीट लग रही है। ये जो है कि इनके जो मालिक हैं वो खुद ही इसका प्रोटेक्टर सीट का इंतज़ाम किए हैं। ये बहुत हार्ड प्रोटेक्टर सीट है, मतलब कि ये समझ लो कि इतना हार्ड है कि आप इसमें 1-1 फीट का भी अगर जाली लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इस जो है कि प्रोटेक्टर सीट में। और इसमें जो है कि मेस के लिए 1x1 इंच का जो है कि 10 गेज का जो है कि जाली लगाया गया है। इनका सैंपल लग रहा है अभी, तो यही लग रहा है आगे चल के 8-8 डायमीटर के यहाँ पे टैंक लगने हैं, मतलब कि 12.5 लाख लीटर का कल्चर है लगभग, तो मिला जुला के लगभग वहीं 50-50 हज़ार लीटर के टैंक बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि 125 टैंक का प्रोजेक्ट है, ये 12.5 लाख लीटर का सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि ये कल्चर यहाँ पर बनने हैं, ठीक है। और ये इनकी जो फैक्ट्री है, जो सेठ जी हैं, जिस जो इनके ओनर हैं, ये फैक्ट्री है उनकी जूते चप्पल की, और इन्हीं के पीछे ज़मीन खाली था, तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने सोचा है कि यहाँ पे डालेंगे। ये पूरे जो ज़मीन देख रहे हैं आपको उधर पेड़ के पास से, ये सारे फैक्ट्री के पीछे वाले सारे ज़मीन पे लगभग, ये करीब हम समझ रहे हैं कि ये 2.5 बीघे का प्लांट है, ये 2.5 बीघे से ज़्यादा होगा, नापा तो नहीं है मैंने, ठीक है दोस्तों। तो आज के अपडेट में कोई प्लानिंग नहीं था वीडियो बनाने का, ऐसे ही लोग बोल रहे थे कि जो है कि एक वीडियो बना के डाल दिया जाए, इसका पानी उनी बरस गया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपडेट दे देते हैं। और दोस्तों ये जो आउटलेट लगाया गया है इसमें, इसमें बांधा नहीं गया है, इसमें सुलेशन लगा के बढ़िया से चिपका दिया गया है, ये निकलेगा नहीं और इससे स्लज की समस्या नहीं आती है जो साइड में रुकता है। और ये जो है कि UPVC पाइप है, इसका डिटेल वीडियो जो है कि आगे डाल देंगे हम एक और वीडियो पूरा टैंक का कंस्ट्रक्शन होने के बाद में। और ये दूसरा टैंक में भी तारपोलिन बिछा दिया गया है, तो इसका भी आउटलेट देख रहे हैं, एकदम फिनिश दिख रहा है, मतलब बांधा नहीं गया है, ये सोलेशन लगा के चिपका दिया गया है और साइड से बढ़िया से बैठा दिया गया है तारपोलिन, तो ये खींचने का कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, मतलब कि कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, बांधने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और बाकी का इसका डिटेल वीडियो मैं आगे जो है कि बनाकर डालूंगा अभी,
अभी ये तो थोड़ा सा है, और ये इसका भी आउटलेट आप देख सकते हैं, ऐसे इंसुलेशन लगा के चिपकाया गया है बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो का यहीं भी एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है कि जल्दी आएगी, तब तक के लिए नमस्कार।